audio is done. टेक्निकल गाइड में खुशामदीद, आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ UBNT कंपनी का लाइट बीम जनरेशन 2। इसमें आया है नया वर्जन आ गया है इसका। ये मैं आपके पास आपके लिए लेके आया हूँ कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं और इसके बॉक्स पैक के अंदर से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, इसकी असम्बलिंग कैसे करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम इसको कन्फिगर करके कनेक्ट करेंगे आपस में दोनों डिवाइसिस को। चलते हैं, मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ। इसमें देखते हैं हमें बॉक्स के अंदर से हमें क्या क्या मिलता है कंपनी की तरफ से। ये एक इसका इन्होंने दे दिया जी, जो जेन 2 में लेटेस्ट सिस्टम आया है, मोबाइल के जरिए आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें एक अलग से रेडियो लगा हुआ है जो आप मोबाइल से कनेक्ट करते हैं और इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये रिमोट साइट्स के लिए इन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि रिमोट साइट्स के ऊपर आपके पास कोई लैपटॉप वगैरह नहीं होता है, कोई चीज़ इसके साथ कनेक्ट करना मुश्किल होता है मोबाइल, तो ये एप्लीकेशन करें मोबाइल में और उसके साथ जो भी आपके पास ये लाइट बीम है इसके साथ ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन कनेक्ट हो जाएगी, आप फिर इसको वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ये देखें इसके बॉक्स के अंदर इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा क्लिप है, ये बैक बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है इस चीज़ की। ये देखें बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का बना हुआ है। इसका निकालते हैं सारी चीज़ें इसमें से। इसमें हमें क्लिप मिलता है, इसकी असेंबलिंग है सारी, ये इधर लगेगा, ये इसका एक साइड की मूवमेंट आ गई, ये सेकंड साइड है दूसरी इसकी। ये देखें ये इसको लग जाएगा यहाँ पे, ये इसके बाद ये इनर फीड आता है इसके साथ। इसमें रीसेट का बटन, ये इसकी पावर लाइट है, ये आगे जो ट्रांसमिशन की लाइट है, इसके साथ ये एक पीओई है, पीओई की केबल 24 वोल्ट का पीओई है इसके साथ। पोल माउंट, पोल के साथ माउंट करने के लिए क्लिप दिया गया है इसके साथ। ये इसके स्क्रूज हैं, ये मैं अभी आपको लगा कर दिखाता हूँ कैसे लगाने हैं। ये इसके छोटे स्क्रूज हैं जो इसका मेन फ्रेम जो है इसका नीचे से निकलेगा, इसके अंदर ही है, ये निकालते हैं। क्विक स्टार्ट गाइड आती है इसके साथ, ये इसकी मेन डिश एंटीना इसका, बॉक्स हो गया खाली इसका, बस अब इसमें और कुछ भी नहीं है। चलें जिसको असेंबल करते हैं साथ साथ। तीन पैनल है इसके, सेंटर पैनल है, दो साइड पैनल हैं, तो माउंट करते हैं आपस में। यहाँ पे हुक्स बनी हुई है इसके साथ, एक हुक इधर है एक इधर है, आप इसको यहाँ पे टाल के ना, ये लग गया, ये डिश कंप्लीट हो गई है इसकी।
है। डिश को इसके स्क्रूज लगाने हैं, यहाँ पे चार स्क्रू लगते हैं, 1 2 3 4 स्क्रू लगा लेते हैं। इसके साथ पैकिंग में स्क्रू आए हुए हैं सारे। ये हमने इसकी डिश असेंबल कर ली है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर लगाते हैं इसका बैक फ्रेम है पूरा, ये कंप्लीट हम लगाते हैं। ये हुक्स बनी हुई है इसके साथ, हुक्स के ऊपर लगाना है। ये माउंट हो गया इसके बैक। अब इसको इनर फीड लगाएंगे, इनर फीड है ये, इसको लगा देंगे यहाँ पे। ये हमारी कंप्लीट हो गई है। ये पावर बीम लाइट बीम एसी जनरेशन 2, ठीक है। इसका हमने दूसरा पेयर बना लिया था ऑलरेडी, वो देख सकते हैं ये सामने लगा हुआ है। ये इसका दूसरा बन गया, ये पेयर कंप्लीट हो गया है। अभी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ अपने सिस्टम के साथ और आपको बताता हूँ कि कॉन्फ़िगर इसको कैसे करेंगे और आपस में दोनों को कनेक्ट कैसे करेंगे। अगर किसी किस्म का भी कोई मसला आपको, कोई भी किसी भी डिवाइस के बारे में आपको पूछना है, आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा और आपको उसका फौरी रिप्लाई दूंगा। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।